तो ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है, मतलब कुल मिलाकर ये हीट एंड थर्मो चार या पांच चैप्टरों की है, ठीक है। मतलब कई लोग एक साथ जोड़ देते हैं, कई लोग अलग अलग। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। किसी बॉडी को अगर हीट करूं तो उसके डाइमेंशंस चेंज हो जाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L1, और इस टाइम पर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है क्या, थीटा 1। समझते हो थीटा, समझते हो टेम्परेचर, थीटा 1 समझते हो ना भाई। थीटा मतलब टेम्परेचर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम इसकी इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कम भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कम हो जाए, ठीक है, पर चेंज जरूर हो जाएगी। तो मान लो कि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर कुछ थीटा 2 कर दिया, तो लेंथ बढ़ के कुछ L2 हो गई, ठीक है, समझ लो। मतलब अब देखो हो क्या रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना कि थीटा 1 में थोड़ा सा बढ़ा रहे होंगे तो लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे और थोड़ी सी बड़ी होगी, बढ़ते 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 फाइनली जब टेम्परेचर थीटा 2 हो गया तब लेंथ L2 हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम कोई जनरल टेम्परेचर ले, जनरल टेम्परेचर थीटा, जो कि थीटा 1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच में लाई करता हूं, तो उस टाइम पर जो रॉड की लेंथ है वो इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ के बीच में कहीं लाई करती होगी, ऐसा हो रहा होगा। तो हम कहते हैं भाई मान लो जब टेम्परेचर थीटा है तब रॉड की लेंथ है L, जहां L की वैल्यू L1 और L2 के बीच में होनी चाहिए। ये समझ में आया, कोई डाउट? अब देखो अगर मान लो हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया θ+dθ कर दिया तो क्या होगा, लेंथ भी जरा सी बढ़ जाएगी, बिल्कुल L+dL हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलो लेंथ सपोज थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, कोई डाउट? तो एक्चुअली ये जो जरा सी लेंथ बड़ी है ना, इसके लिए लॉ होता है, लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वो लॉ ये होता है कि द इंक्रीज इन लेंथ फर्स्ट इंक्रीज
in length is directly proportional to the ओरिजिनल लेंथ. मतलब जैसे यहां पर इंक्रीज इन लेंथ कितना है डीएल, तो डीएल जो है वो इंक्रीज होने से पहले जो लेंथ थी एल उसके प्रोपोर्शनल होगा. भाई सिंपल सी चीज है, सोचो छोटी सी रॉड हुई उसका एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसमें जो इलोंगेशन होगा वो कम होगा अगर इतनी बड़ी रॉड हो और उसका एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो. नहीं नहीं समझ में आया तो ये पहला लॉ हो गया, मतलब डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है भाई. दूसरा लॉ बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली आज की क्लास ही बहुत सिंपल है. दूसरा लॉ कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन आया समझ में. भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ में इंक्रीज भी उतनी ज्यादा होगी. मतलब अब इस केस में अगर देखो तो इंक्रीज इन लेंथ है डीएल और इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है डी थीटा. समझ लो थीटा, तो डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा. तो ये एक टर्म आ गया और ये दूसरा टर्म आ गया. अब पहले इसको कॉपी कर लें फिर आगे करते हैं. कर लिया कॉपी. तो देखो डीएल एक्चुअली एल पर भी डिपेंड कर रहा है और डी थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डीएल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डी थीटा. अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो कोई कांस्टेंट आ जाता है ना, उसको अपन ऐसे के लिखते हैं, लेकिन यहां पर उसको के नहीं लिखेंगे, यहां पर उसको एक नया नाम देंगे अल्फा. अल्फा समझ लो. तो डीएल इज इक्वल टू अल्फा एल डी थीटा. तो एक्चुअली ये क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा तो कांस्टेंट ही है ना. अल्फा इज अ कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए. तो ये जो अल्फा है इसको हम नाम देते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, सिंबल क्या है अल्फा. अब अगर देखो अपन को अल्फा की डेफिनेशन लिखनी हो तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल इंटू डी थीटा, लिखा जा सकता है. तो अगर सोचो ये जो एल है ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ द रॉड.
डी थीटा क्या चीज है? इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो अगर हम ये कहें कि भाई रॉड की लेंथ 1 मीटर है, रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो एल को 1 रखेंगे. ये कॉपी कर लिया. और अगर हम ये कहें कि जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो मतलब मैं कह रहा हूं इफ एल यानी ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड डी थीटा, समझते हो, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 डिग्री, तब अल्फा क्या होना चाहिए? इक्वल टू डीएल अपॉन 1 इंटू 1. होना चाहिए, समझ में आया? तो इतना कॉपी कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूं. इतना कॉपी कर लो फिर लिखवा देता हूं. ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं कि द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द क्या? चेंज इन लेंथ. Is equal to the change in length. Is equal to the change in length. लेकिन यहां पर एक्चुअली क्या है, कंडीशन है कि भाई ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री. मतलब इट इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो कोई डाउट आया समझ में? अल्फा की वैल्यू हमको दी रहती है, मतलब क्वेश्चन में अपन को कई सारे सवाल मिलेंगे जिसमें अल्फा दिया रहेगा. अच्छा, अल्फा की अगर हम यहां से यूनिट देखें ना, देखो ऊपर क्या है, चेंज इन लेंथ है, ये भी मीटर में रहेगा, नीचे लेंथ है ये भी मीटर में रहेगा, और ये जो डी थीटा है ये केल्विन में रह सकता है चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रह सकता है. तो सपोज डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया, सेम है, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो, बिल्कुल सेम आएगी वैल्यू. तो ये आएगा डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1. ठीक है भाई, यूनिट ऑफ अल्फा. अब देखो इसको तो खैर यहीं छोड़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं. हमारा जो डीएल था, डीएल वो था अल्फा एल डी थीटा था. इस L को अपन इधर ले जाते हैं, L को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या आएगा? अब याद करो, हमने कहा था कि जब टेम्परेचर थीटा 1 है तो लेंथ है L1, और जब टेम्परेचर थीटा 2 है तो लेंथ है L2. तो अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा. जब टेम्परेचर था थीटा 1 तो लेंथ कितनी थी, और जब टेम्परेचर था तो लेंथ कितनी थी, बताएं भाई. आया समझ में या नहीं? कोई डाउट?
हुआ क्लियर? अब करो यार इंटीग्रेट, क्या होगा? डी एल अपॉन एल या डी एल अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या? इसका होता है लॉग एक्स, बस बेस में ई रहता है ना, तो एल एन एक्स। इसको लिखते हैं अपन एल एन एल। याद रखना भाई, ये नया इंटीग्रेशन हमें सीखने को मिला, इलेवेंथ वाले बच्चे। ठीक है, एल एन का मतलब होता है लॉग की बेस ई। ठीक है, और ई क्या होता है आयुष? ये ई होता है। ठीक है, 2.7183, बस ऐसी एक नंबर है। ठीक है, तो एल एन एल फ्रॉम एल वन टू एल टू इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा, तो थीटा टू माइनस थीटा वन, मतलब ये तो क्या आ गया, एक्चुअली चेंज इन थीटा आ गया, चेंज इन थीटा, समझ रहे हो? अब इसको हम लिख सकते हैं एल एन एल टू माइनस एल एन एल वन इज इक्वल टू अल्फा थीटा टू माइनस थीटा। अच्छा, कुछ पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है ना, तो है तो ये लॉग ही, एक्चुअली लॉग ही है, तो लॉग या एल एन ही लिख देते हैं, एल एन। ये एक्चुअली एल एन जो है ना, इसका मतलब होता है एन का मतलब होता है नेचुरल और एल मतलब लॉग। ठीक है, ये ई जो होता है ना, इसको अपन, इसका नाम होता है नेचुरल बेस, इसका नाम होता है नेचुरल बेस, एक नंबर है, जैसे पाई होता है ना 3.14159 इस तरह से, उसी तरह से ई होता है। ठीक है, तो ई को अपन नेचुरल बेस कहते हैं, इसलिए अगर कोई लॉग ऐसा हो जिसके बेस में ई हो तो उसको अपन कहते हैं नेचुरल लॉग, एल एन। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं एल एन ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू अल्फा थीटा टू माइनस थीटा वन, मतलब डेल्टा थीटा, चेंज इन थीटा, ये लिखा जा सकता है? बताएं, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई करते थे अपन, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई, तो डेल्टा थीटा। अब एल एन एल टू अपॉन एल वन, एक्चुअली एल एन मतलब लॉग ही है, तो अगर अपन इधर से लॉग हटाएं तो यहां क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है। जैसे मान लो ये लिखाओ लॉग 10 एक्स इक्वल टू 3, तो क्या करते हैं इसको, x को लिखते हैं 10 की पावर 3, यही करते हैं, x को लिखते हैं 10 की पावर 3। उस तरह से यहां पर क्या है, log e है L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 को हम लिखेंगे e टू द पावर अल्फा डेल्टा थीटा, e टू द पावर, e की वैल्यू जिस तरह से पाई होता है ना इरेशनल नंबर, उसी तरह से ई भी इरेशनल नंबर है। तो ये आ गया यार, इससे हमें मिला L2 पढ़ाएगा कभी ऐसा इक्वेशन है आयुष? ये असली इक्वेशन है, ये रियल इक्वेशन है, जो हीट के लिए रियल इक्वेशन एक्सपेंशन का आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो असली इक्वेशन नहीं है। ठीक है, असली इक्वेशन ये होता है कि L2 यानी कि बाद में लेंथ इज इक्वल टू होगा शुरुआत में लेंथ इंटू ई टू द पावर अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब पहले इसको पूरे कॉपी कर लें, इसके बाद मैं आगे कराऊंगा।
ठीक है भाई रुमान खान, ठीक है। अब देखो ये जो e की पावर आया ना, e की पावर एक्चुअली e की पावर की ना एक सीरीज होती है, जैसे कुछ सीरीज हमने सुना शायद 1 + x + x² + इस तरह से कई सारी, तो e की पावर x, अगर कुछ e की पावर x लिखो तो इसकी एक सीरीज होती है। सीरीज क्या बताता हूं, देखो 1 + x + x² अपॉन, तुम लोगों ने फैक्टोरियल सुना है टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल + x⁴ / 4 / 4 फैक्टोरियल और इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है भाई। ये तो अब सोचो, यहां पर मुझे दिया e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, तो मतलब मैं x हटाकर अल्फा डेल्टा थीटा लिख दूं, तो e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा 1 + α/θ² / 2 / 3 / और इसी तरह से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। समझ में आया? अब यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज होती है कि जैसे जो अल्फा है ना यार, अल्फा इसकी वैल्यू ऐसी आती है, अल्फा अपन ने लिखा कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे ये है देखो, इसकी लेंथ कितनी होगी, मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर है, मान लो ये लेंथ 1 मीटर है, अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दूं तो इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा? नहीं नहीं जी, तुम्हें क्या लगता है कितना चेंज आएगा, यही सोचो। 1 डिग्री बढ़ा दिया, 1 डिग्री तो मेरे ख्याल में टेम्परेचर चेंज ही हो जाता होगा, है ना। तो मतलब अब जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री तो बढ़ ही गया होगा, 1 डिग्री तो बहुत कम होता है, तो इसकी लेंथ में कितना चेंज आया एक्चुअली, क्या मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं चेंज, तो चेंज ऐसा होगा कुछ बहुत कम, जैसे पॉइंट फिर 4 0 फिर 1 3, पॉइंट 4 0 0 0 0 0 1 3, समझ रहे हो। तो अल्फा जो है ना, अब अल्फा कभी ज्यादा नहीं हो सकता, अगर मान लो अल्फा 1 हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओ ना तो ये बोतल इतनी की इतनी हो जाएगी बोतल, समझ रहे हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ आ जाएगा, सोचो। समझ में आया? और 2 डिग्री बढ़ाओ तो इतनी हो जाएगी, है कि नहीं। तो गर्मियों में मतलब बोतल बहुत बड़ी हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो अल्फा इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो चूंकि अल्फा बहुत छोटा है, इसे 0.4013, अब अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, 0.80 और है ना, इस तरह से होगा, समझ रहे हो। तो हम कहेंगे यार ये वाली और बाकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी, तो उनको निग्लेक्ट कर दो। तो मतलब e टू द पावर अल्फा डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, हुआ क्लियर? ठीक है, हमेशा ही होती है यार, तुम खुद देखो ना यार, मतलब रॉड के केस में देखा जाए तो रॉड को मीट करेंगे तो रॉड की लेंथ बहुत तेज बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ेगी तो फिर दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है 1 डिग्री बढ़ाने पर, 1 डिग्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना यार, कोई हम अब 100 डिग्री बढ़ा दोगे तो फिर 100 हो जाएगा ना भाई,
अगर आप ये कर देंगे तो यहां 100 आ जाएगा ना यार। तो ये कर लें कॉपी भाई पूरा, ये पूरा कॉपी कर लें, इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है भाई, तो मतलब प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो e टू द पावर अल्फा डेल्टा थीटा जो है वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मतलब प्रैक्टिकली L2 जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए L1 इंटू आया समझ में कोई डाउट? तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन ऐसे आता है, हुआ क्लियर? तो अब ये तो यार बहुत सरल सी चीज हो गई, अल्फा हमें दिया रहेगा, ये हमें पता होगा कि शुरुआत में टेम्परेचर कितना है, बाद में टेम्परेचर कितना है, ये हमें पता होगा कि शुरुआत में लेंथ कितनी है, और बस ये निकालना पड़ेगा कि बाद में लेंथ कितनी हो गई। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे, कोई डाउट? क्लियर? किया क्या, कॉपी कर लिया? तो बिल्कुल ऐसी ही चीज, ये तो हमने खैर लेंथ के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। देखो भाई, मान लो हमारे पास कोई इस तरह से प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट। इस प्लेट का जो एरिया है वो है अभी ए, और जो टेम्परेचर है वो है थीटा। अगर हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएं, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा कर दें, तो इसका जो एरिया है वो ए से ए प्लस डी ए हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, तो सारी की सारी वही चीजें होंगी यार, कि जो डी ए होगा ना, डी ए चेंज इन एरिया, पहली चीज तो ये होगी कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया, और दूसरी चीज की जो चेंज इन एरिया होगा डीए, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अगर इनको कंबाइन कर दें तो डीए इज प्रोपोर्शनल टू ए डी थीटा, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा, उस कांस्टेंट को अपन नाम देते हैं बीटा। ठीक है भाई, तो डी ए विल बी इक्वल टू बीटा ए डी थीटा, कोई डाउट? वेयर बीटा इज कॉल्ड, समझ रहे हो बीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, ठीक है, इसका नाम होता है सुपरफिशियल। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी ए अपॉन ए डी थीटा। कठिन तो नहीं लग रहा? कर लो भाई, कॉपी कर लो।
तो ये बीटा आ गया। अब अगर हम ए को रख दें 1 मीटर स्क्वायर और डी थीटा को रख दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? डीए के बराबर आ जाएगा। तो बीटा विल बी इक्वल टू डीए। तो भाई पहले तुम लोग कॉपी कर लो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। या कॉपी किया तो लिख लें भाई, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, द कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द is equal to the change in area per unit area, change in area per unit area, क्या हो गया? तो क्यों काट रहे हो इतना? per unit change in temperature, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई, कोई डाउट? अब क्या है, देखो अगर डीए को लिखा जाए बीटा ए डी थीटा और डीए अपॉन ए को लिख दें हम बीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, सेम टू सेम चीजें आएंगी यार, बिल्कुल। थीटा वन पर जो एरिया होगा वो ए वन होगा और थीटा टू पर जो एरिया होगा वो ए टू होगा। तो डी ए अपॉन ए को अपन लिख सकते हैं एल एन ए टू बाय ए वन इज इक्वल टू बीटा थीटा टू माइनस थीटा वन, जिसको अपन डेल्टा थीटा लिख देते हैं ना। तो ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू ई टू द पावर बीटा डेल्टा थीटा। तो ए टू इज इक्वल टू आएगा ए वन ई टू द पावर बीटा डेल्टा डेल्टा थीटा, और ई टू द पावर बीटा डेल्टा थीटा, बीटा की वैल्यू यदि बहुत कम हो, और बहुत कम होती है, ठीक है, तो ए टू विल बी इक्वल टू ए वन इंटू वन प्लस ई टू द पावर बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है, कर लें कॉपी इसको। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वन प्लस ई टू द पावर लिख दिया गलती से, तो सिर्फ वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, इसको बोलना बड़ा कठिन है ना, बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है, करने कॉपी।
ये कर लिया कॉपी, ये वाला पार्ट। तो ऐसा करने के बाद अब हम आते हैं वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ वॉल्यूम है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है भरा हुआ जिसकी वॉल्यूम V है, अगर खाली होलोस्फीयर हो तो भी वॉल्यूम तो एनक्लोज करता ही है वो, समझ गए? ऐसा नहीं है कि खाली में हम कहेंगे इसमें मेटल नहीं है, अगर खाली चीज हो तो वो बिल्कुल भरी हुई चीज की तरह ही बिहेव करती है एक्सपेंशन में, समझ में आया? जैसे अगर हम एक इस तरह की प्लेट लें और इसमें इतना पार्ट कट करके बाहर निकाल दें, ठीक है, और मान लो इसको टेम्परेचर बढ़ाते गए, हीट सप्लाई की गई, टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो पूछते हैं कि भाई बताएं ये जो होल है, ये जो कैविटी है, ये बड़ी होगी कि छोटी होगी? ठीक है, तो कैविटी भी मेटल की तरह बिहेव करती है, समझ गए? ये जो होल है ना, ये भी मेटल की ही तरह बिहेव करेगा, तो ये लेंथ बड़ी होगी, ये ब्रेथ बड़ी हो जाएगी, हाइट, इसका रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये भी बड़ा हो जाएगा, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम हो गया ये कम हो गया, ऐसा अकल नहीं लगानी है, सब बड़े हो जाएगा, समझ गए? हुआ क्लियर? तो देखो ये वॉल्यूम V है, किसी टेम्परेचर थीटा पे वॉल्यूम है सपोज V, अगर टेम्परेचर को फिर से वही सब, अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर अगर थीटा से थीटा प्लस टी थीटा कर दिया जाए तो जो वॉल्यूम है वो वी से वी प्लस डीवी हो जाएगा, है ना? तो हम ये कहेंगे कि भाई जो डीवी होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी, दिस इज द फर्स्ट थिंग, और जो डीवी होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू डी थीटा, दिस इज द सेकेंड थिंग। तो डीवी विल बी प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डी थीटा, दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा, उस कांस्टेंट को हम कहेंगे गामा, ठीक है, गामा, ये गामा, गामा वी डी थीटा। इस गामा का नाम होता है कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है भाई? और गामा को हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन वी डी थीटा, डीवी अपॉन वी डी थीटा। तो इफ तो गामा इज इक्वल टू डीवी हो जाएगा, कर लें इसको कॉपी कर लें,
ठीक है भाई। तो गामा इज इक्वल टू डीवी लिख लिया, तो इसके बाद लिख लें द कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, द कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर नहीं, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई स्टार्ट किया जाए, डीवी इज इक्वल टू गामा वी डी थीटा से। इस v को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ले आए तो हमें मिलेगा डीवी अपॉन v इज इक्वल टू गामा डी थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा वन से थीटा टू तक और वी की वैल्यू वी वन से वी टू तक। तो यहां से हमको मिल जाएगा ln वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। तो वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू ई टू द पावर गामा डेल्टा थीटा। तो v2 इज इक्वल टू v1 e टू द पावर गामा डेल्टा थीटा। अब क्या है, गामा जो है ना वो और भी छोटा होता है, अल्फा बीटा से भी छोटा होता है। तो v2 आ जाएगा नहीं, गामा अल्फा और बीटा से बड़ा होता है पर फिर भी बहुत छोटा होता है। अभी यार 0.00013 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0.00039 ही आएगा, है ना। तो V1, अभी मैं रिलेशन बताऊंगा तुम लोगों को कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि अभी एक चीज हम देखेंगे कि जो अल्फा बीटा गामा है ना ये एक दूसरे को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्टिंग इन नेचर है ये एक दूसरे को। देखो अभी देखते हैं कैसे, पहले इतना कॉपी कर लो। ठीक है, कोई डाउट हुआ, क्लियर। अब देखो लिखो रिलेशन बिटवीन, पहले कॉपी कर लिया सबने, तो फिर लिखें इसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और गामा के बीच रिलेशन क्या होगा। पहले तो देखते हैं आखिर अल्फा बीटा गामा की रिलेशन क्यों। ठीक है, देखो मान लो यहां पर आओ, मान लो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड बनाए, क्यूबॉइड ठीक है, यह है क्यूबॉइड। अब चूंकि क्यूबॉइड इसकी सारी लेंथ अलग अलग है, तो यह लेंथ हो गई L, ये ब्रेथ हो गई B और यह हाइट हो गई H। अब अगर हम इस क्यूबॉइड को देखें ध्यान से तो क्यूबॉइड के पास कई सारी लेंथ है,
हैंड लेंथ, उसकी एजेस की जो लेंथ है, उसके पास बहुत सारे फेसेस हैं और हर फेस का एरिया भी होगा और उसकी अपनी कुछ वॉल्यूम भी होगी, है ना भाई। तो मैं इसको लिख देता हूं कि सपोज इसकी जो वॉल्यूम है वो दी हुई है, जो वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो कई सारे फेसेस आ गए, समझ में आया। अच्छा, अब इसके लिए हमसे कहा गया है कि भाई अगर आप लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात, तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी जिसकी वजह से एरिया बढ़ता है वो है बीटा, और कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ती है वो है गामा, ठीक है। अब वो कहेंगे भाई इसका टेम्परेचर हमने थीटा वन से थीटा टू कर दिया, तो बताएं क्या होगा, ठीक है। तो अपन सोचेंगे, अपन कहेंगे यार देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जितनी भी लेंथ है लेंथ वो सब बढ़नी चाहिए, है ना, बढ़नी चाहिए। तो मतलब जैसे L है, L L बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा L डैश इज इक्वल टू L, हो जाएगा कि नहीं बताएं। अच्छा, इसी तरह से B डैश ब्रेथ भी बढ़ जाएगी, B वन प्लस अल्फा, अल्फा ये तो होगा लेंथ को बढ़ा रहे हो ना, और एच डैश होगा एच, बताओ इसमें कोई डाउट। तो दिस विल बी द न्यू लेंथ ऑफ ईच साइड, कोई डाउट। अब देखो इसका मतलब क्यूबॉइड टोटल में क्यूबॉइड की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, और अगर लेंथ वेंथ सब बढ़ जाए यार तो एरिया तो बढ़ ही जाना है, अगर लेंथ वेंथ बढ़ जाए तो एरिया तो बढ़ना ही है। अब जैसे मान लो मैं एक कोई फेस लेता हूं ए बी सी डी, ये जो फेस है इसका ओरिजिनल एरिया कितना था, एल एच, एल एच होना चाहिए, तो ओरिजिनल एरिया था इसका एल एच। अगर इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो जो नया एरिया इसका होना चाहिए वो होना चाहिए पुराना एरिया बताओ, देखो ध्यान से, पुराना एरिया इज इक्वल, नया एरिया इज इक्वल टू पुराना एरिया इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, कोई डाउट, ध्यान से देखना हुआ क्लियर या नहीं फैजान, समझ में आया। तो न्यू एरिया ए डैश विल बी इक्वल टू एल एच वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, लेकिन अब मैं अगर थोड़ी अकल लगाऊं तो मैं कहूंगा कि ये जो ए बी सी डी है इसमें एल बदलकर एल डैश हो जाएगा, एच बदलकर एल डैश हो जाएगा, तो ए डैश को डायरेक्टली एल डैश इंटू एच डैश लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। मतलब इस ए डैश को हम लिख सकते हैं एल डैश इंटू एच डैश इज इक्वल टू आएगा एल एच आएगा, लेकिन एल डैश और एच डैश तो अपन निकाल ही चुके हैं यार, एल डैश को अपन लिख चुके हैं एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और एच डैश को अपन लिख चुके हैं एच इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो आ जाएगा एल एच वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर, आया समझ में, प्लस इज इक्वल टू एल एच, बताओ भाई हुआ क्लियर या नहीं। देखो मैं अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन निकालने की सोच रहा हूं,
तो मैंने पहले कहा कि भाई एरिया के हिसाब से अगर चले तो नया एरिया होना चाहिए पुराना एरिया इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, लेकिन मैंने कहा कि जो नया एरिया है वो एक्चुअली नया एरिया इसलिए है क्योंकि लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। तो अगर नए एरिया को नई लेंथ के टर्म्स में लिखा जाए तो ये आएगा, जिसको कि एल डैश को अलग से और एच डैश को अलग से लिखें तो ये आएगा। अब यहां से ये और कट जाएगा, है ना। अब देखो मैंने बताया था कि भाई अल्फा बहुत छोटा होता है, 0.4013, 0.4038 ऐसा करके, तो ये चीज वन से बहुत छोटी होगी, है ना। तो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर टू यानी वन प्लस एक्स की पावर एन को अपन लिख सकते हैं, नहीं पता देखो, वन प्लस एक्स की पावर एन यदि एक्स वन से बहुत छोटा हो तो इसको लिखा जा सकता है वन प्लस एन एक्स, ठीक है। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे ना तुम लोग तो समझ लोगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं वन प्लस, लेकिन ये तभी वैलिड है जब इसकी वैल्यू वन से बहुत छोटी हो, हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वन प्लस, तो हम ये जानते हैं एक्चुअली कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो वन प्लस, ये क्लियर हुआ। बस इस टू को ना यहां ले आए, इज इक्वल टू वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, क्या आया, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, ठीक है भाई। तो मतलब जैसे अल्फा अगर दिया हो ना 0.4013 तो बीटा कितना हो जाएगा 0.40 × 26, तो खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अल्फा से डबल हो गया, पर वैसे अभी भी बहुत छोटा है कि नहीं। हुआ क्लियर, कर लें इसको कॉपी, फिर आगे करते हैं। कर लिया कॉपी, कर रहे हो अभी। अब देखो यार, जैसे अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखो, पुरानी वॉल्यूम कितनी थी, L इंटू बी इंटू एच, नई वॉल्यूम V डैश होनी चाहिए पुरानी वॉल्यूम इंटू वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, होना चाहिए कि नहीं भाई। नई वॉल्यूम इज इक्वल टू पुरानी वॉल्यूम इंटू वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, और नई जो वॉल्यूम है, एक्चुअली नई जो वॉल्यूम है वो इसलिए नई है क्योंकि सारी लेंथ बढ़ चुकी है। तो नई वॉल्यूम को नई लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं अपन एल डैश बी डैश एच डैश, लिख सकते हैं या नहीं बताओ, समझ में आ रहा है। एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश, शाहिद हो रहा है क्लियर। अच्छा पहले कभी नहीं पढ़ा हीट, नहीं, अच्छा ये समझ में आया भाई, नई वॉल्यूम कायदे से ये होनी चाहिए। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एल बी एच इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर थ्री,
मतलब एल इज इक्वल टू ये आ गया भाई। अब एल बी एच और एल बी एच अपन काट दें तो ये आ जाएगा यहां से 1 प्लस 3 अल्फा, भाई 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बताएं भाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। 1 और 1 कट गए, डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा कट गया, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब बीटा 2 अल्फा के बराबर है और गामा 3 अल्फा के बराबर है। मतलब अगर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा है बीटा बाय 2 के बराबर या अल्फा है गामा बाय 3 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच रिलेशन एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो चीजें हम यहां कर रहे हैं ना वो हमने क्या क्या किया, हमने किया कि भाई लेंथ टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, एरिया टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद हम इन्हीं पर कुछ सवाल करेंगे, फिर एक और चीज होती है बाइमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, वो भी करेंगे और उसके बाद अपन आएंगे अगले टॉपिक पर, पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे जो कि है कैलोरी मेट्रिक।